सियाना पुलिस ने 4 घंटे में लापता छात्र ग्रेटर नोएडा गेस्ट हाउस से कुशलता पूर्वक बरामद किया। बुलंदशहर सियाना कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा सहित पुलिस टीम को मिली सफल घर से नाराज छात्र हुआ लापता। पुलिस ने मात्र 4 घंटे के अंदर ही ग्रेटर नोएडा गेस्ट हाउस से किया बरामद। परिजनों ने कोतवाली पुलिस का किया धन्यवाद। मामला जनपद बुलंदशहर के कोतवाली नगर सियाना क्षेत्र के गांव नयावास का है, जहां एक छात्र किसी बात को लेकर अपने घर से नाराज होकर कहीं चला गया था। जब छात्र की गायब होने की सूचना लेकर परिजन सियाना कोतवाली पहुंचे, तो सियाना कोतवाली में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में कोतवाली प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने टीम गठित कर छात्रों को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर गेस्ट हाउस से मात्र 4 घंटे के अंदर ही बरामद कर लिया। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र शर्मा जी। आपका बेटा खोआ था और आपने इसकी कंप्लेंट की थी यहाँ पे जी चाना थाने में। हाँ जी। तो पुलिस ने आपके बेटे को कितने समय में ढूंढ दिया? 4 घंटे। हाँ, 4 घंटे में ढूंढ दिया जी, तुरंत हुए करिए जी। पुलिस ने इसमें बड़ी सक्रिय मतलब हम 9:30 बजे आए, 10 बजे हमारे साथ नोएडा गए। हमारे जो प्रभारी निरीक्षक छाना है, तो आप इस सियाना कोतवाली के पुलिस कर्मियों की कितनी सराहना करोगे, आप क्या कहना चाहोगे इनके लिए? हमारे पास कोई शब्द नहीं है जी, कितनी कर सकते हैं। हमें तो बहुत बड़ी खुशी है। रात 11:30 बजे कोतवाली पुलिस छात्र को थाने लेकर आए। अगर पुलिस नहीं गौर करती, हो सकता है कि छात्र कहीं दूर निकल जाता। छात्र के बरामद करने की खबर कोतवाली प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने जब परिजनों को दी, तो परिजन खुश होकर कोतवाली सियाना में मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचे। सर क्या नाम है आपका? हरिओम शर्मा। सर आपने एक कंप्लेंट की थी, आपका पोता चला गया था कहीं, तो क्या मामला सर, कैसे मिला और कितने समय में पुलिस ने आपकी कितनी मदद करी? ये घर से नाराज होकर चला गया था जी, और पुलिस की जितनी सराहना मैं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जी कि मैं पुलिस के लिए क्या कहूँ। सियाना पुलिस ने वो काम किया है जो अन्य पुलिस मैं समझता हूँ नहीं कर पाती जी। सियाना से संवाददाता अमित राणा की रिपोर्ट।